edge. Feel like I'm floating through the air. सब्सक्राइब करें इंडिया ऑन रोड ट्रिप यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को कर लें एक्टिवेट ताकि हमारे नए टूर्स की इंटरेस्टिंग वीडियोस कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हुंदर नुब्रा वैली एंड वेलकम टू द चैनल इंडिया ऑन रोड ट्रिप। मैं हूं जीरज कुमार। रूम है जिसमें हम रुके हुए थे, ये पूरा वुडन मेड रूम है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत उसमें जो मतलब ग्लासेस लगे हुए हैं, प्लस बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई है इन्होंने। तो यहाँ पर हम रुके हुए थे, ये होम स्टे है। और यहाँ पर एक और बढ़िया बात है, इन्होंने सोलर एनर्जी के लिए सोलर ये इलेक्ट्रा लगा रखा है। एक तरफ से पानी डालो, दूसरी तरफ से पानी गर्म होकर निकलता है। सो जो यहाँ के ओनर हैं वो जा चुके हैं और कुछ ब्रेकफास्ट उन्होंने हमारे लिए बनाया था। ये लद्दाख की ब्रेड है, ठंडी हो गई थोड़ी, लेकिन खाएंगे ज़रूर इसे क्योंकि बड़े प्यार से उन लोगों ने बना के रखा है। और एक मैंगो जैम है, प्लस कुछ सॉल्ट टी है वो भी रखी है, और साथ में कुछ जो उनके सेब के पेड़ हैं उसमें से कुछ सेब ला करके रखे हैं, तो ये भी खा के जाएंगे। ये उन्होंने तोड़े हैं तो इन खा के ज़रूर जाएंगे ना। और कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, बाइक रेडी है बिल्कुल और टाइम हो गया 11:30 में। आज भी हम लोग कितने 9 बजे उठे थे, आज 9 बजे उठ करके हम लोग अभी तैयार होते होते 11:30 हो गए। सब लोग फ्रेश हो चुके हैं, सब कुछ बाइक रेडी है, ब्रेकफास्ट करना है और यहाँ से निकलना है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम हो गया है 11:45 और हाँ अब लिक नहीं हो रही है। सो पंकज भाई का जो है ये जो केन है, ये दूसरी केन है। एक पहली जम्मू से ली थी, दूसरी यहाँ से ली है हुंदर से। हुंदर है कौन सी जगह? ये हुंदर यही है, डिस्किट से ली थी। सो ये दूसरी केन डिस्किट से ली है, ये भी लीक कर रही है, लीक कर रहा है। अब आप लोगों को एक सजेशन है कि यहाँ पर आए तो मतलब केन यहाँ से ना लें। केन जैसे ये मेरी एक केन है, ये तीन केन मेरे पास थी पहले से। गोल केन मिलती है, ये गोल केन ना लीक करती है। हाँ। ये वाली केन अच्छी रहती है, थोड़ी सी मोटी क्वालिटी होती है तो ये खराब नहीं होती है। ये जो तेल है इसमें श्रीनगर से भरा हुआ है और श्रीनगर से अब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन उसको जम्मू से केन ली थी, श्रीनगर से भरवाया था और अभी भी वो फट रही है। तो केन दिल्ली से लेके आए, अच्छी क्वालिटी की लेके आए क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लो क्वालिटी मिलती है और महंगी भी मिलती है। अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो सबसे मेन चीज़ है ये हुंदर में आने के बाद अबक्षा नाम से जगह है, अबक्षा में आए और यहाँ पर 5 स्तूप हैं, आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे। 5 स्तूप इस जगह पर हैं और इस जगह का नाम है नमस्कार होम स्टे। इसमें नंबर भी है इसका, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट से आप इसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और एड्रेस ले सकते हैं। भैया का नाम जो है वो पद्मा तुंडुप है, तो यहाँ करके आप नमस्कार होम स्टे पूछ सकते हैं, पद्मा तुंडुप पूछ सकते हैं। और अबक्षा में 5 स्तूप के सामने ही ये घर है, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, यहाँ आप रुक सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है और बहुत अच्छे लोग हैं, बस इतना ही कहना था। बस अब हम निकलते हैं। ये उनके छोटे भाई हैं जिनका ये होम स्टे है और वो अभी अपने कुछ काम से गए हुए हैं। सो ये 5 स्तूप हैं, इसके पास ये रूम है, यहाँ आप रुक सकते हैं। अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत अच्छे लोग हैं, मज़ा आ गया कसम से। मतलब हमें इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते जाते हैं ना रास्ते में, हम कल्पना नहीं कर सकते उसकी। 12:03 हो गए और हम लोग यहाँ से पेंगोंग के लिए निकल रहे हैं। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए मैंने जो जैकेट के अंदर के लाइनर्स हैं वो निकाल दिए ताकि दिक्कत ना आए। खारदुंगला ऊपर, नुब्रा वैली नीचे
और पेंगोंग लेक नीचे और यहाँ रॉयल विस्की नीचे। कुछ लाया हूँ आपके लिए। जो मोस्ट डेंजरस रास्ता है पूरे रूट का वो ये लगता है मुझे, क्योंकि इसमें बहुत अजीबोगरीब पहाड़ आएंगे, बहुत मतलब कुछ कह नहीं सकते क्या आ जाए इस रोड में। और क्योंकि इस रोड पे क्या है, ज़्यादा ट्रैफिक चलता नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक चलता है, तो इस कारण से ये रोड बहुत अजीब ही रहती है। अभी आपको आगे रास्ते में पहाड़ दिखाऊंगा कैसे अजीबोगरीब पहाड़ हैं, रोडें बहुत छोटी छोटी नैरो नैरो रोड्स हैं। एक रास्ता ऐसा है कि यहाँ से नदी के बीच में से निकलते हो आप, और ये रोड यहाँ देख लो कितनी छोटी छोटी रोडें हैं, और ऊपर से कब पत्थर आ जाए, क्या आ जाए, कैसा पत्थर आ जाए, क्योंकि मिट्टी में है। सो मतलब कुछ कह ही नहीं सकते इस रास्ते के बारे में क्या हो जाए। और नीचे सीधा खाई है एकदम गहरी। पीछे जो रोड थी वो थोड़ी बहुत ऐसी थी नॉर्मल कि उसमें गाड़ी पास हो सकती थी, इसमें गाड़ियां तो पास हो ही नहीं सकती, गाड़ी और ट्रक ऊपर से आ जाए तो आपकी हालत ख़राब है। तो थोड़ा सा ही ख़राब रास्ता है। तो मेरे को जो अभी तक मोस्ट डेंजरस रास्ता लगा है वो ये है। इसके अलावा तो मैं हर रास्ता झेल जाता हूँ यहाँ का, थोड़ा सा ये रास्ता मुझे अजीब सा और डरावना सा लगता है। तो खैर ये मेरी कोई पहले की थिंकिंग नहीं है, क्योंकि मैं इस पर चला हूँ इस कारण लगता है। यहाँ गाड़ी मैं 30 से ऊपर चला ही नहीं सकता इस रोड पे, बहुत डेंजरस है। तो ये वो आ गया जो नदी वाला पार्ट है, और ये रास्ता नदी में से होते हुए निकलता है इसलिए ये कभी बनता नहीं है। ओ तेरी, ये देखो ये नदी आ रही है और ये रोड चल रही है। आगे क्या है, नदी, ये जो रोड है वो नदी को क्रॉस करती है, तो आई होप पानी मिलना तो नहीं चाहिए इस पर, बट मिल गया तो भी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्रॉस तो करना ही है चाहे कैसे ही करें। ओ हो लगा पत्थर, बच गया। ओ माय गॉड, सो नदी आगे है और ओहो अब रास्ता यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, आगे जाया जाए इधर जाया जाए। गाड़ियाँ तो उसी में से आई हैं। ओह, गाड़ियों के निशान तो यहीं से बन रखे हैं, लेकिन हम कैसे क्रॉस करेंगे इसे। ओह माय गॉड, पहले रास्ता चेक करते हैं। तो इसे मोड़ना पड़ेगा, एक गाड़ी उधर के रास्ते से निकली है। ओह माय गॉड, यहाँ रेत बहुत है। हो गया पंकज भाई, मुड़ जाएगी, मुड़ तो जानी चाहिए। मैं मोड़ता हूँ एक मिनट, रुको रुको मोड़ता हूँ एक मिनट। मुड़ गई, ओ
ये रोड है पेंगोंग लेक के लिए। ओह माय गॉड, ये और बड़ी वाटर क्रॉसिंग है। नो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ हो गया, इसमें पैर नहीं लगाने पड़े नीचे। पंकज भाई का वेट करते हैं। और जो मैं बता रहा था नदी निकलती है वो ये पार्ट है। आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से। हाँ सो जो नदी निकलती है वो ये वाला पार्ट है। सो ये मुझे बहुत डेंजरस लगता है क्योंकि यहाँ रोड का कुछ पता नहीं चलता, कहाँ से रोड है, क्या रोड है, कैसे रोड है, और आपको निकलना भी है। ओह तेरी, निकल जा, फंस गई। ओए होए, कहीं पे स्लिप हो रहा है। आ गई आ गई आ गई आ गई। ओह माय गॉड, लगी गाड़ी। हाँ जी, मैं क्या कहते हैं, जान में जान आई, रोड मिल गई। ओ तेरी। सो रास्ता बंद था, उधर से लगाना चाहिए बोर्ड। आ जाओ चलो, ये जा रही नदी एक। वाओ, ओहो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, फिर से फिर से फिर से। निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई। हैं, एक और। ओह माय गॉड, कभी कभी तो लगता है क्यों आ गया मैं इस रास्ते से। हो गई बस, हो गई नैना तू पार, हो गई तू पास, हो गई नैना, हो गई नैना तू पास, हो गई। ओ हाँ, आ जाओ आ जाओ पंकज भाई आ जाओ। चलो ये अभी शुरुआत है, इसके आगे और खराब रास्ता मिलने वाला है। अब क्या क्या मिलेगा वो रास्ते में पता चलेगा। जब मैं पिछली बार आया था तो एक जगह रेत मिली थी और हमारी गाड़ी चढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और अगर इस बार रेत मिली रोड पर तो ये बाइक्स का तो हो जाएगा काम, क्योंकि ये बाइक्स नहीं चढ़ सकती उस रेत पर, इनका चढ़ना बहुत मुश्किल है। नीचे नहीं देखना, नीचे नहीं देखना बेटा, तुझे नीचे नहीं देखना, सामने देख सामने। काश मेरा ड्रोन आज जिंदा होता तो यहाँ हम अभी ड्रोन शॉट्स ले रहे होते, लेकिन क्या करें, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थोड़ा सा बस नदी का रास्ता था, थोड़ा सा खाई तो अच्छा था, बहुत बढ़िया था। इस चक्कर में बाइक में चला रहा था।
मतलब अगर आप फिसले तो गए, बाकी आगे पीछे बहुत थी ऐसा वाला खतरनाक वाला डर नहीं लगता। जब ये भाई लोग मिले थे उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि ये रूट जो है पेंगोंग वाला यहाँ से पेंगोंग ये और ज़्यादा ख़राब है। अभी हम लोग अगम्या पता नहीं ऐसी करके कुछ जगह पर है, तो यहाँ से पेंगोंग कुछ 100 किलोमीटर के आसपास होगा, तो वही है कि लेकिन यहाँ से भी कह रहे हैं कि यहाँ से रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, रेट मिलेगी और पत्थर मिलेंगे, पानी मिलेगा, सब कुछ मतलब मिलने वाला है। और टाइम हो गया हमारा 2:30 बजने वाले हैं, तो 2 घंटा वो कह रहे हैं दुर्बुक यहाँ से 2 घंटा रहेगा, दुर्बुक से आगे आधा पौन घंटा कुछ पेंगोंग और लगेगा। ये रोड तो वाकई काफ़ी ख़राब है। जो भाई हमें मिले थे उन्होंने कहा था कि रोड ख़राब मिलेंगे आपको बहुत, तो वाकई रोड बहुत ख़राब है। पिछले साल ना यहाँ पर मैंने नाश्ता वाश्ता किया था, जो मैं बता रहा था ना बड़ा सा पुल आता है फिर उसके बाद आता है, वो ये जगह थी, बंद कर रखा है इस बार। अरे वो वाली नदी कहाँ है, वो जो जमी होती है पूरी सर्दियों में तो लोग घूमते हैं, सदी जिसमें आई थी 3 Idiots में, पेंगोंग लेक ही तो है वो। अच्छा चाचा, अरे वही है। हाँ 3 Idiots की शूटिंग वहीं तो हुई है, और सर्दियों में तो पता नहीं जम, हाँ सर्दियों में जम जाती होगी वो, रात को भी वहाँ आसपास जम जाता होगा सारा। चले वो देखो झरना पहाड़ों के बीचों बीच है ना गजब। आप लोगों को कैमरे में शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा सा झरना है, मैंने पिछले साल भी देखा था मुझे याद है, ऐसे ही बह रहा था, ये पत्थरों के बीच में से आ रहा है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में काट रखा है एक एरिया छोटा सा, बहुत सुंदर है। Awesome. ओह माय गॉड, मर गया आज तो। टाइम कितना हो गया, 4:15, करेक्ट 4:15 हो रहा है। चलो आ गए वो, आराम से। दिस एनी पर्सन विद द थंडरबर्ड ब्लू द टू गाइस फ्रॉम द गाय एंड द गर्ल विद द, हां यस अभी गए हैं आगे, कितना टाइम होगा, 5 मिनट। थैंक यू यार, ये खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा, हे भगवान फिर से। निकाल एक और छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, और उसके बाद ये बच्चा आ गया हमारे सामने,
और ये उसकी बाप तो है उसका बाप। बाप आए या बेटा सबसे बड़ा रुपया हो गया क्रॉस। एक बाइकर्स का ग्रुप जा रहा है हमारे सामने, तो लोगों के ग्रुप जाते हैं तो देख के अच्छा लगता है। हमारा भी ग्रुप है डेल बाइकर्स का, लेकिन हमारा ग्रुप इतना चलता नहीं है, वो नॉर्मल संडे राइड्स करता है क्योंकि सब बिजनेस वाले हैं तो इतना हो नहीं पाता है। लेकिन अगर हमारा भी ग्रुप यहाँ पर आता तो बहुत अच्छा लगता। अभी हम लोग ने श्योक क्रॉस किया है और बहुत ख़राब रास्ता है, मतलब आप जब जहाँ पे हमने स्टे किया था जहाँ पे चाय कॉफ़ी पी थी वहाँ से आगे बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है। और अगर आप नुब्रा से ये पेंगोंग आ रहे हैं तो आई थिंक आप कुछ ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके आइए, क्योंकि बीच में एक ही स्टे मिलता है, एक या दो स्टे मिलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। उसके बाद सीधा आपको श्योक में मिलेगा और श्योक में आपको पहला रेस्टोरेंट मिलेगा, वरना नुब्रा से हुन्नर के बीच में और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तो मतलब बिस्किट यहाँ से आप खा के चलिए वरना हालत ख़राब हो जाएगी। भाई का आज है 13 तारीख, 14 तारीख भाई का बर्थडे है, तो हम लोग यहीं रास्ते में भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब कैसे कर पाते हैं ये पता नहीं, क्योंकि अभी हमें ना केक मिलेगा ना और कुछ मिलेगा, तो देखते हैं कैसे सेलिब्रेट होता है, लेकिन करेंगे ज़रूर आज रात। सब सो रहे हो? आज रात नहीं तो कल सुबह ज़रूर करेंगे। और भाई आज कितने हो जाएंगे? 44 के हो जाएंगे, तो 44 लग जाएगा आज इनकी एज में, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे फिर से आगे। सो ये वो एरिया है जहाँ से सबसे पहला व्यू पेंगोंग लेक का दिखाई देता है, ये वाला, ये वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक है जो आप सब जानते हैं। और यहाँ 3 इडियट की शूटिंग हुई थी, तो यहाँ से पहला व्यू पेंगोंग लेक का दिखाई देता है। और इसके आगे बस थोड़ा सा एरिया रह गया है, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे। आई थिंक आपको माइक में आ रहा है नहीं आ रहा मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि अंदर लाइनर भी नहीं लगाया हुआ है, इस कारण से ठंड ज़्यादा है। सो फाइनली हम पेंगोंग लेक पहुंच गए हैं। ये सारी पेंगोंग लेक दिखाई दे रही है सामने, और थोड़ी देर में बस उसके नज़दीक जाते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं पेंगोंग लेक पे, और इस बार कुछ मुझे इसका नक्शा समझ में नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हो, ये देखो ये कितनी नीचे हो चुका है इसका लेवल, और आई थिंक ऊपर भी जो होटल हैं वो भी काफ़ी ऊपर कर दिए गए हैं, पहले काफ़ी नीचे होटल्स थे वो। हाँ बाय गॉड, हाथ बिल्कुल एकदम ठंडे हो गए। और ये देखो यहाँ हमें ऑक्सीजन बना रही है, यहाँ हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ बत्तख है। डेफिनेटली लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन कम होगी, लेकिन हमें कमी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि हमने सुना है कुछ वैज्ञानिक बोल रहे थे पीछे भी कि बत्तख ऑक्सीजन बनाती है, और देखो बत्तख है और वो ऑक्सीजन यहाँ बना रही है, तो हमें ऑक्सीजन की कमी फील नहीं हो रही। भाई कौन सा यार आश्चर्य की बात है, बत्तख क्या क्या कर रही है साला, और कुछ तो बत्तख है, बताओ ये बत्तख ही है ना, बत्तख ही है भाई, और क्या है वो। हद है यार इतने ठंडे पानी में, दो बोरी है, दो बोरी छोटी छोटी। हाँ या तो मुझे लग रहा है ये विप्लव देखिए कमेंट के बाद छोड़ी गई है। हाँ देखो आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, और ये ऑक्सीजन का कमी नहीं, देखो जो इसका ब्लू वाटर है वो अभी नहीं सूर्य की रोशनी में दिखाई देगा, जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तब ये ब्लू हो जाता है,
अभी, लेकिन ये क्लीन बहुत है। देखो आपको अंदर के सारे पत्थर दिखाई दे रहे होंगे। आशीष भाई तुम्हारे लिए दिखाई है मैंने, देखो बत्तख है। और जलद भाई कह रहे हैं लास्ट यहाँ बहुत ऑक्सीजन कमी थी, लेकिन आज ऑक्सीजन कमी नहीं है, यानी कि बत्तख जहाँ होती है वहाँ ऑक्सीजन कमी नहीं होती पानी के अंदर। तो आप इसको प्लीज वायरल कर दीजिए, और लद्दाख के अंदर भी ऑक्सीजन कमी नहीं है इस बार, क्योंकि यहाँ बत्तख दिखाई दी है। तो अभी हम लोग हैं फिंगर चिप्स वाला। सो अभी हम लोग पेंगोंग लेक के उस एरिया में हैं जहाँ पर थ्री इडियट्स की शूटिंग हुई थी। तो जिस एरिया को पहले आपको दिखाया था वहाँ से ये करीब करीब 5 से 7 किलोमीटर आगे होगा, और यहाँ पे काफ़ी सारे टेंट्स हैं और होटल्स हैं, मतलब कॉटेज टाइप के हैं, सब कुछ हैं। तो हम लोग ने पहले टेंट लगाने की सोची थी, और टेंट के लिए एरिया वहाँ भी मिल गया था, यहाँ भी मिल गया था, लेकिन जिस जहाँ टेंट लगाया उन्होंने हमें काफ़ी मतलब लो प्राइस में अपना रूम प्रोवाइड करा दिया। तो वही उन्होंने वही 1500 के आसपास बोला, हम उन्हें 800 तक ले आए हैं। तो हमें यहाँ पे 800 में एक रूम, डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट मिल गया। तो हमने कहा चलो यही बेस्ट है, क्योंकि चार्जिंग भी मिल जाएगी और ठंड से भी बच जाएंगे, क्योंकि ठंड जो है बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में आ रखे हैं कुछ हल्का सा खा करके। जो डिनर करेंगे वो वहीं करेंगे, वहाँ बुफे सिस्टम है, डिनर वहीं करेंगे। फाइनली अब हम अपने रूम में आ गए हैं, डिनर हो गया है और अब सो रहे हैं, क्योंकि बहुत थकान हो चुकी है और ठंड जो है वो अनबिलीवेबल है, मतलब बता नहीं सकता कितनी ठंड है। और ये जो यहाँ से व्यू है वो अभी आपको इतना दिखाई नहीं देगा परफेक्ट, लेकिन जब मॉर्निंग होगी तो बहुत बढ़िया व्यू आएगा। और ये थ्री इडियट्स का जो मूवी का सीन था वो यहीं कहीं हुआ था पास में, वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी देखेंगे। बस मैटर करता है कि हम सुबह उठते कितने बजे हैं। अब बोला नहीं जा रहा है क्योंकि सांस तो नहीं फूल रही, लेकिन जो जबड़ा है वो सुन्न पड़ गया ठंड के मारे। तो अब सोते हैं हम लोग। आज की वीडियो का एंड यहीं करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज राजकुमार फ्रॉम इंडिया रोटरी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हाँ हाँ, भाई का बर्थडे है भैया, मेरी हिम्मत नहीं जगने की, कल ही सेलिब्रेट करेंगे जो करेंगे। रात को सेलिब्रेट करने का प्लान था हमारा, लेकिन इतनी ठंड में सेलिब्रेट नहीं हो सकता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे पांग जाएंगे, तो पांग में जाकर के इनका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। बस इतना ही बर्थडे करें, बाकी भाई को विश कर देना, 44 के होने वाला है भाई। अपन तो भी बच्चा है, छोटा सा दूध पीता, 26 साल का कल ही पैदा हुआ हूँ यार, 26 साल का हूँ, 1 महीना हुआ आया हूँ यहाँ ले में, है ना? ठीक है, ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट।